सबन लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। देश में कोरोना का कहर आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग असहाय दिख रहे हैं। मदद के लिए सोशल मीडिया से लेकर हर स्तर पर लोग हाथ फैला रहे हैं, लेकिन कई मरीजों को या तो कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है, नहीं तो जान गंवानी पड़ रही है। देश में अब तक 2 करोड़ से अधिक मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। करीब 2.25 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सबके बीच देश में औसतन रोजाना 4 लाख के करीब मामले सामने आ रहे हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कि आखिर सरकार से कहां चूक हो गई जिससे देश को इस तबाही का सामना करना पड़ रहा है। पहली चूक कब हुई? मार्च के शुरू में यानी कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान कर दिया कि भारत में कोरोना अंतिम स्थिति में है और हम लोग इस पर लगभग जीत हासिल कर चुके हैं। कोरोना के नए प्रकार आने के बावजूद भारत सरकार की तरफ से दिखाने की कोशिश की गई कि कोरोना को हराने में सरकार की रणनीति बिल्कुल सही है। वहीं दूसरी चूक तब हुई जब भारत सरकार की तरफ से ये बात फैलाई गई कि देश में अधिकतर लोगों में हर्ड कम्युनिटी विकसित हो रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट्स के अनुसार देश में केवल 21% लोगों में कोरोना के प्रति एंटीबॉडी विकसित हो पाई है। आपको बता दें कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह होता है कि यदि कोई बीमारी किसी समूह के बड़े हिस्से में फैल जाती है तो इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से लड़ने में संक्रमित लोगों की सहायता करती है। जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वे उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाते हैं और दूसरे मरीजों की मदद करते हैं। तीसरी चूक कब हुई? जब सुपर स्प्रेडर घटनाओं के जोखिमों के बारे में चेतावनी के बावजूद भी सरकार ने धार्मिक उत्सवों को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए विशाल राजनीतिक रैलियों का आयोजन किया गया और इन सब के अलावा कोरोना प्रबंधन में ढील दे दी गई और लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर घूमने लगे। चौथी चूक, मामले कम होने के बाद सरकार को लगा कि अब कोरोना लगभग समाप्ति की कगार पर है, इसलिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत को धीमा कर दिया। इसके तहत केवल 2% से कम लोगों को ही टीका लगाया गया। केंद्रीय स्तर पर भारत की टीकाकरण योजना उतनी प्रभावी नहीं दिखी। पांचवी चूक का भी आपको बताएं कि सरकार ने राज्यों के साथ नीति में बदलाव पर चर्चा किए बिना अचानक से कई फैसले लिए जिनमें व्यवस्थाएं चरमरा गई। कई राज्यों को अभी भी पर्याप्त संख्या में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। वैक्सीन खुराक के लिए एक बाजार बनाने में असफल होना जिससे राज्यों और अस्पताल प्रणालियों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। और वही छठी और सबसे बड़ी चूक ये हुई कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य को मामले में अचानक वृद्धि का अंदाजा नहीं था और ना ही उन्होंने इससे निपटने की कोई तैयारी कर रखी थी। इसी वजह से मरीजों की संख्या में अचानक तेजी से वृद्धि होने लगी और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई, अस्पतालों में बेड की कमी हो गई। और सातवीं चूक ये हुई कि देश में 24,918 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से केवल 3,278 केंद्र ही मानकों के मुताबिक स्थापित हैं और इनमें केवल 8,514 केंद्र की 24 घंटे संचालित होते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होने के बजाय खराब होती जा रही है। 31 मार्च 2019 की स्थिति में भारत में 23,04,220 एएनएम कार्यरत थी। एक साल बाद 31 मार्च 2020 को यह संख्या कम हो गई जबकि संख्या में बढ़ोतरी की जानी थी। यह हुई 2,12,593, लगभग 2,25,000 एएनएम कर्मी कम हो गए, यानी अगर कहा जाए तो देश में डॉक्टरों की भारी कमी हो गई। अब इसके लिए भारत सरकार को ठोस रणनीति अपनानी होगी और सबसे पहले राज्य सरकार से बात कर शहर से लेकर गांव तक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होगी। इसके बाद अन्य देशों की सरकार से बात करके वैक्सीन की आपूर्ति में तेजी लानी होगी। देश में टीकाकरण अभियान को और तेज करने की जरूरत है। सिर्फ शहर ही नहीं गांव में भी चैनल स्थापित करने होंगे ताकि इसे बड़े पैमाने पर फैलने से रोका जा सके। हर शहर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने होंगे ताकि आने वाले समय में इन मुश्किलों से निपटा जा सके।